सो गाइस फाइनली देख पा रहे हो इंडिया बांग्लादेश सर्वर के लिए प्री एक्सेस मिल गया है मिनिस्ट्री शॉप का, जिसके अंदर भाई आप लोग इलेट पास देखने को मिल जाएगा। तो भाई वीडियो में बने रहे, बहुत सारे अपडेट के बारे में बात करना है इंडिया बांग्लादेश सर्वर के लिए। कोबरा MP40 कब रिटर्न आने वाला है, कोबरा बंडल कब रिटर्न आने वाला है इंडिया बांग्लादेश सर्वर के लिए, नेक्स्ट भाई टॉपअप कौन सा होने वाला है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया है तो। यहाँ पे भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड ट्रूथ न्यूज शेयर किया जाता है, तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। एंड बांग्लादेश सर्वर हम लोगों को एक से एक झटका दिया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो छोटा मोटा कुछ अपडेट के बारे में जान लेते हैं सर्वर के लिए भाई, जैसे कि आप लोगों को नेक्स्ट मोको स्टोर वाला स्ट्रीट ठग बंडल देखने को मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ही जल्दी। डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ परंतु प्री एक्सेस मिल चुका है, जहां पे बांग्लादेश सर्वर के लिए ये वाला स्ट्रीट ठग बंडल जो बहुत ही पॉपुलर बंडल है आप लोगों को नेक्स्ट मोको स्टोर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फेडेट में आप लोगों को पर्पल सेड बंडल देखने को मिल जाएगा, ये भी भाई बहुत ही पॉपुलर बंडल है बांग्लादेश सर्वर के लिए, जिसका कन्फर्म डेट 27 तारीख को निकल कर आ रहा है। डेट चेंज भी हो सकता है, तो 27 तारीख को बांग्लादेश सर्वर में आप लोगों को पर्पल सेड बंडल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी बांग्लादेश सर्वर में ट्रिपल ए कोलाबोरेशन स्पेशल 2 भाई इवेंट होने वाला है, जिसमें से आप लोगों को स्टेप अप इवेंट देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को ट्रिपल ए कोलाबोरेशन एक इमोट एंड ट्रिपल ए कोलाबोरेशन स्पेशल फीमेल बंडल भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को समर स्पिन देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को ट्रिपल ए कोलाबोरेशन भाई मेल बंडल ग्लोअल एंड ट्रिपल ए कोलाबोरेशन स्पेशल फिस्ट के स्किन देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश सर्वर में जो भाई स्टेप अप इवेंट आ रहा है, ऐसा ऐसे चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए स्टेप अप इवेंट देखिए हम लोगों को ट्रॉपिकल पैड का याद आ जाता है। एंड भाई लीक्स गार्डन इंडिया बांग्लादेश सर्वर के लिए बहुत ही जल्दी कोई ना कोई टूसर आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाई बाहर के सर्वर में ये वाला जो ग्रीन कलर का टूसर देख पा रहे, जिसमें भाई एक डैमेज डबल रिलोड स्पीड है, ये वाला टूसर रिटर्न में दिया जा रहा है ना। हर एक अपडेट में कोई ना कोई न्यू टू शॉटर अपनी गेम फाइल में ऐड करता है, परंतु इस बार जो OB34 का अपडेट है, इसमें आप लोगों को कोई भी टू शॉटर देखने को नहीं मिलता है। इसके वजह से भाई आप लोगों को बाहर के सर्वर में भाई पुराना कुछ टू शॉटर देखने को मिल रहा है रिटर्न में। कोलाबोरेशन वाली 1 में टू शॉटर तो आप लोग रिटर्न में नहीं देखने को मिलेगा, परंतु टॉपिकल पैर रैपर अंडरवर्ल्ड ये सभी टू शॉटर के अंदर से कोई ना कोई भाई टू शॉटर आप लोग को इंडिया बांग्लादेश सर्वर में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इस महीने तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस महीने के लिए बहुत सारा इवेंट भाई कन्फर्म हो चुका है। तो आप लोगों को जुलाई मंथ में भाई 15 से 17 तारीख के अंदर ही आप लोगों को कोई ना कोई टू शॉटर इंडिया बांग्लादेश सर्वर में भाई रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमारा बांग्लादेश सर्वर एक से बढ़कर एक झटका हम लोगों को दे रहे हैं, जैसे भाई आर्कटिक ब्लू बंडल आप लोगों को फेडेड हुल में देखने को मिल रहा है बांग्लादेश सर्वर में, जो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते। मतलब ऐसे ऐसे इवेंट बांग्लादेश सर्वर में आ रहा है जो भाई किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। एंड सेम आज कोई भाई आप लोगों को पोकर M40 बांग्लादेश सर्वर इनक्यूटर में रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम लोगों के पास कोई भी कन्फर्मेशन नहीं था, परंतु हम लोगों के पास रैम्पेज M10 एंड रैम्पेज M16 में कन्फर्मेशन था कि बांग्लादेश सर्वर में जरूर से जरूर रिटर्न में आने वाला है। तो वो रिटर्न में ना आके आप लोगों को पोकर M40 बांग्लादेश सर्वर में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी इंडिया सर्वर के बंदे लोग बोले गए कि भाई पोकर MP14 हम लोगों को इंडिया सर्वर में कब देखने को मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को लगभग 10 दिन के बाद ही शायद इंडिया सर्वर में पोकर MP14 देखने को मिल सकता है, या नहीं भी देखने को मिल सकता है आप लोग इंडिया सर्वर में भाई क्लाउन वाला जो इंक्यूबेटर है, क्लाउन वाला इंक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए भाई एक ईवो MP5 आने वाले 21 तारीख आप लोगों को पता ही है। एंड बांग्लादेश सर्वर के लिए भाई ईवो MP14 मतलब कोबरा MP14 भी कन्फर्म हो चुका है, जिसका भाई पोस्टर मिल चुका है, परंतु कोई भी कन्फर्मेशन डेट नहीं मिला है। एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाहर के बहुत सारे सर्वर में भाई आप लोगों को कोबरा MP14 रिटर्न में देखने को मिल रहा है, परंतु बाहर के किसी भी सर्वर में आप लोगों को कोबरा बंडल या बुया बंडल रिटर्न में नहीं देखने को मिला। इसका मतलब है आप लोगों को कोई भी बुया बंडल इस बार रैम्पेज इवेंट के द्वारा आप लोगों को कोई भी वो बंडल रिटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। एंड रैम्पेज भाई इवेंट के बारे में बात ही चल रहा है, तो रैम्पेज पास आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, रैम्पेज पास का भाई प्री एक्सेस आप लोग देख पा रहे हैं, परंतु रैम्पेज पास का कोई भी कन्फर्मेशन डेट निकल के नहीं आ रहा है। एंड भाई रैम्पेज पास इवेंट के अलावा भी अगर हम लेजेंडरी मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में बात करें, तो हर एक सर्वर में कोई ना कोई भाई डिस्काउंट इवेंट हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है। लकी शॉप इवेंट देखने को मिल रहा है, इधर हम लोग मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिल रहा है। तो इतना बड़ा इवेंट के दौरान आप लोग इंडिया बांग्लादेश सर्वर में मिस्ट्री शॉप या लकी शॉप देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई डिस्काउंट इवेंट आप लोगों को देखने को जरूर से मिल ही जाएगा। उसके अलावा भी भाई इंडिया सर्वर में कन्फर्म निकल के जो आ रहा है, आप लोगों को शॉपिंग स्प्री नाम का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल सकते इंडिया सर्वर में। बांग्लादेश सर्वर में तो अभी कुछ दिन पहले लकी शॉप चला गया, परंतु उसमें कोई भी इलाइट पास देखने को नहीं मिला है। परंतु अभी के टाइम जितने भी सर्वर में लकी शॉप या भाई मिस्ट्री शॉप आ रहा है, उसमें आप लोगों को भाई इलाइट पास डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। इंडिया सर्वर के लिए 24 तारीख एकदम कन्फर्म डेट आ रहा है निकल के, जहाँ पे आप लोगों को शॉपिंग स्प्री डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल सकता है। तो भाई आप लोग इतने दिन तक वेट किए, तो 24 तारीख तक वेट करके देख लीजिए क्या आप लोगों को डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके बाद भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया सर्वर के लिए कुछ भाई टॉपअप कन्फर्म हो चुका है, जहां पे आप लोगों को नेक्स्ट टॉप में एक फॉरवर्ड का स्क्रीन टॉपअप देखने को मिल सकता है, उसके साथ हाइपर बुक टोकन का बॉक्स भी टॉपअप में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग इंडिया सर्वर में भाई इंक्यूबेटर में टॉपअप देखने को मिल सकता है, मतलब ब्लू प्रिंट या आप लोगों को भाई स्टोन टॉपअप में देखने को मिल सकता है, जहां पे आप लोगों को शायद से बोनस टॉपअप में नेक्स्ट जो हम लोग इंडिया सर्वर में मतलब टू नाइट अपडेट में जो ऑक का स्क्रीन आप लोगों को इंक्यूबेटर देखने को मिल सकता है, वही ऑक का स्क्रीन आप लोगों को ब्लू प्रिंट में देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप लोगों को 1000 डायमंड शायद से टॉपअप करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को टू नाइट अपडेट के बारे में भी पता दिया हूं, जो है आप लोगों को कल के दिन इंडिया सर्वर में नेक्स्ट ऑक का स्क्रीन यानी कि नेक्स्ट इंक्यूबेटर के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो ऑक का स्क्रीन इंक्यूबेटर में देखने को मिल रहा है, मतलब नेक्स्ट आप लोगों को ईवो गन भाई ऑक का स्क्रीन होने वाला है। अभी भी हमारा M4A1 नहीं आया है किसी भी सर्वर में, तो आप लोगों को नेक्स्ट ईवो गन M4A1 देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी भाई कोई भी ईवो गन आता है, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आइटम्स आप लोगों को गेम के अंदर देखने को मिलता है। तो मुझे जितना दूर लग रहा है कि OB35 अपडेट में आप लोगों को ईवो M4A1 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ईवो M4A1 का कुछ भी
आइटम गेम फाइल के अंदर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई कॉन्फर्म यही है कि आप लोगों को नेक्स्ट OV35 आर्डोइनो इवो इंपोर्टेंट डेलीवरी हार्डवेयर एक आइटम देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लाइफ सभी लोग बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।